नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? बात बोलेगी मैं आपका स्वागत, मैं त्रिलोचन भट्ट। दोस्तों, हम देहरादून वाले लोग सहस्रधारा रोड और मोहंड में काटे जा रहे जंगलों का विरोध करते रहे, लेकिन इधर शहर के बीचों बीच एक छोटे लेकिन खूबसूरत जंगल में सेंध लगा दी गई। यह सेंध कहां लगी और किसने लगाई, इस बात पर आने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और प्लीज प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देहरादून में रिंग रोड पर सरकारी दफ्तरों को पार करते हुए जब हम रायपुर रोड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहां साल का ये खूबसूरत जंगल हमारा स्वागत करता है। शहर की भीड़ भाड़ के बाद अचानक इस खूबसूरत जंगल का मिलना ऐसा मालूम होता है मानो तपती धूप में ठंडी हवा का झोंका हो। मन करता है कि कुछ देर इस जंगल में सुस्ता लें। जंगल के बीचों बीच अचानक ये बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई है। आसपास के जंगल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ भी इतना ही घना जंगल था, लेकिन अब यहाँ कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा है। बाउंड्री वॉल पर जगह जगह ये सूचना लिखी है, यह संपत्ति श्री संतोष अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्रीमती इंद्रावती की है। पहला सवाल यह है कि जंगल के बीचों बीच का ये बड़ा भूभाग अचानक किसी की निजी संपत्ति कैसे हो गया, यह किसकी मिलीभगत से हुआ? और दूसरा सवाल यह है कि इस बाउंड्री वॉल के अंदर जितने पेड़ थे उन्हें काटने की इजाजत किसने दी, जबकि यदि हम अपनी निजी जमीन में से भी कोई पेड़ काटते हैं तो उसके लिए एक लंबी चौड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। इस प्लॉट के चारों ओर मौजूद पेड़ों की संख्या बताती है कि प्लॉट में कम से कम 400 से 500 पेड़ रहे होंगे। ये पेड़ न सिर्फ काट दिए गए हैं बल्कि जड़ें भी उखाड़ कर जला दी गई हैं। एक छोटी सी धनराशि खर्च करके इसे सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया जा सकता था और एक सुंदर पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के बजाय इस जंगल को काटने की शुरुआत की गई है। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में जंगल के बचे हुए हिस्से में भी इसी तरह की बाउंड्री वॉल आपको नजर आएंगी। दोस्तों, पिछले दिनों हमने मोहंड और सहस्रधारा रोड के जंगल बचाने के लिए प्रदर्शन किए थे, लेकिन लगता है पर्यावरण सरकार के लिए कोई विषय रह ही नहीं गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा खुद प्रधानमंत्री देहरादून में करके गए हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बीच जंगलों का इस तरह काटा जाना बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हाल ही में देहरादून में एक बड़े नेताजी की बेटी की शादी के लिए भी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने की सूचना मिली थी, लेकिन तब सब कुछ मालूम होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। हम सब ने ये खाना है, हम सब ने ये खाना है, हम सब ने ये खाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।